हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। यह मूवी 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मनु देसाई हैं। वहीं इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरूपा राय बॉक्स क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमिता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में मावीरन के नाम से बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं। राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराज और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराज को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। की स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है। उद्घाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्द लिखा मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसके लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता। पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबर बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक कालकोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती, वो वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है।
जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महानपोर नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जयबिस्को यानी मनिक ईरानी राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आग्रमी की अस्वीकार कर दिया लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। उसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और जिग्गी को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना के विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिक का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है क्योंकि यह काला धन जलता है, वह देखता है। एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा वाला यानी तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी डायर साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विचलित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दोवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरह भ्रष्ट चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वच्छ प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है। ऐसे तीन ऑपरेशन, सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं, वृद्ध हैं, अनाथ योग्य हैं, उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपर्षित करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा, वह दाश्रम शिविर है जहां फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों और शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है। रानी दुर्गा यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने आदमियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी
ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया। अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दाह शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है, जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है। हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को राजू के वंश के बारे में पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा, डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कालकोठी में प्रवेश करता है, लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है और वहाँ पर राजू जो एक नकाबपोश होता है को निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए देखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे खत्म करने की कसम खाता है। समवर्ती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं। द्वंद्व युद्ध में वह मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद्व की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैलरी में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करने ते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा किवनसेंड ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। यह मूवी 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मनु देसाई हैं। वहीं इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरूपा राय क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमिता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में मावीरन के नाम से बनाया गया था।
अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में आठवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं, राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराथ और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराथ को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। यह मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। की स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है। उद्घाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्द लिखा मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसके लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता। पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबर बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक कालकोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती, वो वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महानपोर नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है।
युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जय बिस्को यानी मनिक ईरानी राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है, लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आगामी किस अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। उसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और चुकी को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना से विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिक का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है, क्योंकि यह काला धन जलता है वह देखता है। एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा वाला यानी तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता, अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी डायर साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विचलित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरह भ्रष्ट चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वच्छ प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है। ऐसे तीन ऑपरेशन, सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं, वृद्ध हैं, अनाथ योग्य हैं, उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपूर्तित करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा, वह दाश्रम शिविर है जहाँ फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश समाज के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह, जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों और शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र सोर्स है। रानी दुर्गा, यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने आदमियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दास शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है, जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है। हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को
राजू के वंश के बारे में पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा, डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कालकोठी में प्रवेश करता है, लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है और वहाँ पर राजू जो एक नकाबपोश होता है को निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए दिखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे खत्म करने की कसम खाता है। सर्वमती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं। द्वंद्व युद्ध में वह मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद्व की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैलरी में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलेना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा किवनसन ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। यह मूवी 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मनु देसाई हैं। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरुपया राय बॉक क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में मावीरन के नाम से बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं, राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराज और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराज को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं।
इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है। उद्घाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्द लिखा मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसे लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता, पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबर बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती को वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महान पोर्ट नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जयबिस्को यानी मणिक ईरानी राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है, लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आग्रमिक की अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। उसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और झुग्गी को ध्वस्त करना है।
राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना से विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिक का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है क्योंकि यह काला धन जलता है, वह देखता है। एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा वाला यानी तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता, अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी, डायर, साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विकसित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दोवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरह भ्रष्ट, चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वच्छ, प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है। ऐसे तीन ऑपरेशन, सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं, वृद्ध हैं, अनाथ योग्य हैं, उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपर्षित करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा, वह दाश्रम शिविर है जहाँ फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों और शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है। रानी दुर्गा, यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने आदमियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दास शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार, इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है। हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को राजू के वंश के बारे में पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा, डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कालकोठी में प्रवेश करता है लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है
और वहाँ पे राजू जो एक नकाबपोश होता है वो निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए देखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे ख़त्म करने की कसम खाता है। समवर्ती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं। द्वंद युद्ध में वह मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैली में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा की वंशज ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। ये मूवी 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मनु देसाई हैं। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरूपा राय क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमिता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में मावीरन के नाम से बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं। राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराथ और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराथ को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। यह मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। की स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है
उद्घाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्द लिखा मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसे लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता, पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबर बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक कालकोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती को वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महानपोर नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है, जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जयबिस्को यानी मनिक ईरानी राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली, जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है, लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आगमी की अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। उसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और झुग्गी को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना से विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिख का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है, क्योंकि यह काला धन जलता है वह देखता है।
एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा वाला यानी तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता, अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी, डाया, साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विचलित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरह भ्रष्ट, चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वच्छ, प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है। ऐसे तीन ऑपरेशन, सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं, वृद्ध हैं, अनाथ योग्य हैं, उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपर्षित करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा, वह दाश्रम शिविर है जहाँ फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह, जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों और शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है। रानी दुर्गा, यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने हाथियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दास शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है, जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है। हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को राजू के वंश के बारे में पता चलता है, यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा, डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कालकोठी में प्रवेश करता है, लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है और वहाँ पे राजू, जो एक नकाबपोश होता है, को निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए दिखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे खत्म करने की कसम खाता है। समवर्ती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं।
द्वंद्व युद्ध में वह मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शव देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद्व की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैलरी में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करने ते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा की वनसेंड ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। यह मूवी 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मनु देसाई हैं। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरूपा राय बॉक्स क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमिता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में मावीरन के नाम से बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं। राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराथ और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराथ को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ये स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है। उद्घाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और
इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्ज लिखा, मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसके लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता, पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबर बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक कालकोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती, वो वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महापौर नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जय बिस्को यानी मणिक ईरानी राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है, लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आग्रह की अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। उसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और चुकी को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना से विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिक का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है, क्योंकि यह काला धन जलता है वह देखता है। एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा वाला यानी तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता, अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी डायर साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विचलित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरह भ्रष्ट चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वच्छ प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है।
ऐसे तीन ऑपरेशन, सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं, वृद्ध हैं, अनाथ योग्य हैं, उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपूर्तित करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा वह दाश्रम शिविर है, जहाँ फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश समाज के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह, जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों और शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है। रानी दुर्गा, यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने आदमियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दाह शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है, जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है, हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को राजू के वंश के बारे में पता चलता है, यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा। डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कालकोठी में प्रवेश करता है, लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है और वहाँ पे राजू, जो एक नकाबपोश होता है, को निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए दिखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे ख़त्म करने की कसम खाता है। समवर्ती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं। द्वंद्व युद्ध में वह मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद्व की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैली में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा
घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करने ते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा किवनसेंड ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। ये मूवी 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मनु देसाई हैं। वहीं इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरूपा राय क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमिता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में मावीरन के नाम से बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं। राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराथ और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराथ को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। की स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है। उद्धाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्द लिखा मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसके लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता। पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को
स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबन बॉब पिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक कालकोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती वो वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महान पोर नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जयबिस्को यानी मनिक ईरानी राजू को संलग्न करता है लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आग्रमिक अस्वीकार कर दिया लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। उसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और झुग्गी को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना से विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिक का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है क्योंकि यह काला धन जलता है वह देखता है। एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा वाला यानी तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी डायर साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विचलित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दोवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरफ भ्रष्ट चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वस्थ प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है। ऐसे तीन ऑपरेशन सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं वृद्ध हैं अनाथ योग्य हैं उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपूर्तित करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा वह दाश्रम शिविर है जहाँ फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों और शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है।
रानी दुर्गा यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने आदमियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दास शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है, जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है। हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को राजू के वंश के बारे में पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा, डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कालकोठी में प्रवेश करता है, लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है और वहाँ पर राजू जो एक नकाबपोश होता है को निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए देखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे ख़त्म करने की कसम खाता है। समवर्ती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं। द्वंद्व युद्ध में वह मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद्व की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैली में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गरम पीछा करते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा किवनसेंड ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।
हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। यह मूवी 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मनु देसाई हैं। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरूपा राय बॉक क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमिता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में मावीरन के नाम से बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं। राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराज और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराज को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। यह मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। की स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है। उद्धाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्द लिखा मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसे लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता। पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबन बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक कालकोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती तो वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे
राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महान पोर्ट नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जयबिस्को यानी मणिक ईरानी राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आगामी किस अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। इसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और चुकी को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना से विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिक का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है क्योंकि यह काला धन जलता है, वह देखता है। एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा वाला यानी तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी डायर साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विचलित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरह भ्रष्ट चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वच्छ प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है। ऐसे तीन ऑपरेशन, सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं, वृद्ध हैं, अनाथ योग्य हैं, उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपूर्ति करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा वह दाश्रम शिविर है जहाँ फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश सामाजिक के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है। रानी दुर्गा यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने आदमियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है।
साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया। अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दास शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है, जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है। हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को राजू के वंश के बारे में पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा, डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कालकोठी में प्रवेश करता है, लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है और वहां पर राजू जो एक नकाबपोश होता है को निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए दिखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे ख़त्म करने की कसम खाता है। समवर्ती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं। द्वंद युद्ध में वह मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैलरी में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा किवनसन ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। यह मूवी नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मन्नू देसाई हैं। वहीं इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरूपा राय क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमिता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में
मावीरन के नाम से बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में आठवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं, राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराथ और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराथ को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसकी स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है। उद्घाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्द लिखा मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसके लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता। पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबन बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक कालकोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती को वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महान पोर्ट नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है।
युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जय बिस्को यानी मनिक ईरानी राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है, लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आग्रमी की अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। उसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और चिट्ठी को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना से विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिक का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है, क्योंकि यह काला धन जलता है, वह देखता है। एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता, अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी डायर साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विचलित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दोवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरह भ्रष्ट चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वच्छ प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है। ऐसे तीन ऑपरेशन, सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं, वृद्ध हैं, अनाथ योग्य हैं, उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपूर्तित करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा वह दाश्रम शिविर है, जहां फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह, जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों और शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है। रानी दुर्गा यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने आतियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दाह शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है, जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है। हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को
राजू के वंश के बारे में पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा, डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कानपुरती में प्रवेश करता है, लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है और वहाँ पर राजू जो एक नकाबपोश होता है को निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए दिखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे ख़त्म करने की कसम खाता है। समवर्ती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं। द्वंद युद्ध में वह मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैली में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा किवनसेंड ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। ये मूवी 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मनु देसाई हैं। वहीं इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरूपा राय क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमिता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में मावीरन के नाम से बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं। राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराज और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराज को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं।
इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। यह मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। की स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है। उद्घाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्द लिखा मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसके लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता, पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबन बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक कालकोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती को वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महान पोर नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जयबिस्को यानी मणिक ईरानी राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है, लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आग्रमी कुश्ती अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। उसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और झुग्गी को ध्वस्त करना है।
राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना से विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिक का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है क्योंकि यह काला धन जलता है, वह देखता है। एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा वाला यानी तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता, अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी डायर साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विचलित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरफ भ्रष्ट चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वच्छ प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है। ऐसे तीन ऑपरेशन, सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं, वृद्ध हैं, अनाथ योग्य हैं, उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपूर्तित करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा, वह दाश्रम शिविर है जहां फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों और शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है। रानी दुर्गा, यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने आदमियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दास शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है। हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को राजू के वंश के बारे में पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा, डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कालकोठी में प्रवेश करता है लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है
और वहां पे राजू जो एक नकाबपोश होता है को निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है। अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए देखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे ख़त्म करने की कसम खाता है। समवर्ती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं। द्वंद्व युद्ध में वह मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद्व की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैलरी में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं। महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा किवनसेंड ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मर्द। यह मूवी 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक मनु देसाई हैं। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 आउट ऑफ 10 है। वहीं 74% गूगल यूजर द्वारा इस मूवी को पसंद किया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह और निरूपा राय बॉक क्रिस्टो जैसे कलाकारों ने मेन लीड रोल प्ले किया है। मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और अमिता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशक मनमोहन देसाई ने की है। फिल्म को तमिल में मावीरन के नाम से बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मर्द 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 1980 के दशक में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं। राइटर इंद्रराज आनंद, पुष्पराज आनंद, सोहेल डॉन, अनिल नागराथ और प्याराज राज और के शुक्ला हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, अनिल नागराथ को प्रोड्यूसर और पामे वर्मा को प्रोड्यूसर हैं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कैरेक्टर ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पीटर पेरिया ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट राजू कपाड़िया और मंगल मिस्त्री द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन की कमाई करी। यह मूवी मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। की स्टार्टिंग भारत को दिखाते हुए होती है। यह 20वीं सदी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है।
उद्घाटन के समय ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए और इंग्लैंड से हवाई जहाज में धन लेते हुए दिखाया गया। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह यानी दारा सिंह द्वारा रोका जाता है, जो बेहद मजबूत और हल्के विमान को कम करने और कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करके और चुराए गए वाहनों को बरामद करने का प्रबंध करते हैं। इस समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा यानी निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने पर मर्द शब्द लिख दिया और उसके यह गर्व को देखते हुए कहा कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहेगा और जाहिर तौर पर कोई और इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय उन्होंने उसकी छाती पर मर्द लिखा मामूली तौर पर सबको दर्द होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसे लिए वो असली मर्द रहा। एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता, पूरी फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलना के नेतृत्व में एक जांच करता है। जांच में अंग्रेजी सैनिकों को अत्याचारों का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वपात्र और आम तौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का विचार समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर यानी कमल कपूर और इंस्पेक्टर साइबर बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए एक कमजोर और कमजोर इदारे वाले भारतीय स्थानीय डॉक्टर हैरी यानी प्रेम चोपड़ा के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है कि इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है और एक कालकोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, वह पुनः प्राप्त नहीं कर लेती, वो वैसे ही भटकती रहती है। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उससे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता और यह देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंत में धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महान पोर्ट नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लाहौर और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका दिन का काम एक तांगा चलाने से होता है। एक दिन वह अभिमानी और दमकारी युवती से मिलता है, जो एक बूढ़ी औरत को ऊपर अपनी कार से चलाने वाली थी। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है और उसका अंगरक्षक जय बिस्को यानी मणिक ईरानी राजू को संलग्न करता है, लेकिन राजू उसे आसानी से दूर कर देता है। युवती रूबी निकली जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफ़ी मांगती है, लेकिन वह राजू के कठोर और रूप और स्पष्टवादी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे आगमी की अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अंत में प्यार में पड़ जाती है। उसका दिल बदल जाता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने बस्ती और चुकी को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्ती को रहने वाले तोड़फोड़ करने वाले दल का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना करने के लिए रैली निकाली। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता है और जब लेडी हेलना मौके पर आती है तो वह उसे मार डालने ही वाला होता है। लेडी हेलना से विध्वंस को रोक दिया जाता है। दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए हैरी को फटकार लगाई गई और राजू को रिहा कर दिया जाता है। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन राजू शराब के मामले में बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और हैरी के चेहरे को काला करके कालिक का उपयोग करता है। नहीं, यह चिंतित रूप से काला धन है, क्योंकि यह काला धन जलता है, वह देखता है। एक निराश हैरी उसे
गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी हस्तक्षेप करती है। तांगा वाला यानी तांगा चालक के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने की धमकी देती है। पिता, अगर कोई नुकसान होने हो जाना चाहिए तो राजू यानी हैरी डायर साइमन और अन्य के एक निराशक सेठ राजू के वंश में करने और विचलित करने में असमर्थ रहे। फिल्म जनरल डायर के बेटे डैनी यानी डैन दवा का परिचय देती है। डैनी अपने पिता और अपने साथियों की तरह भ्रष्ट, चालक और लालची है। डैनी जनरल डायर और मैरी हैरी के बाहरी रूप से स्वच्छ, प्रभुशाली और जागीरदार जीवन के तहत नापाक अभियान चलाता है। ऐसे तीन ऑपरेशन, सबसे पहले वह एक गुप्त रक्त शिविर चलाता है और बस्ती के निवासियों को जो कमजोर हैं, वृद्ध हैं, अनाथ योग्य हैं, उनका खूब गुप्त रूप से अपहरण कर लेता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को भी कहीं और आपर्षित करने के लिए निकाल दिया जाता है। दूसरा वह दाश्रम शिविर है, जहाँ फिर बस्ती वासियों को ब्रिटिश समाज के लिए विभिन्न नागरिकता और निर्माण परियोजनाओं पर बिना वेतन के काम पर रखा जाता है। और अंत में राजा आजाद सिंह, जो अभी भी कैद में है और बस्ती के लिए श्रमिकों और शिविरों के लिए एक चैंपियन है, उसका प्राथमिक कर्तव्य हाथ से एक विशाल आटा चक्की को चलाने का करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है। रानी दुर्गा, यह पता चला कि इन शिविरों में से एक में धोबी है, शिविर आकर में बढ़ते हैं। जब राजा आजाद सिंह चुपके से उन्हें विरोध करने के लिए योजना बनाते हैं, यह हैरी के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन जाता है। हैरी और जनरल डायर तय करते हैं कि राजू को तस्वीर से हटाने का सबसे अच्छा तरीका रूबी और डैनी की सगाई की घोषणा करना है। रूबी इसका कड़ा विरोध करती है और राजू के साथ भाग जाती है। डैनी अपने आदमियों के साथ पीछा करता है और रूबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हैरी के पास वापस लाता है। हैरी वास्तव में गुस्से में है। वह रूबी को धमकी देता है कि अगर वह कभी उसकी बात नहीं मानती है तो उसे जान से मार देगा। डैनी राजू को छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश रचता है। साजिश में पहले कदम में रूप में डैनी ने लोहार को पकड़ लिया और अपने फावड़े से जला दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोहार को एक दास शिविर में डाल दिया। जैसे ही वह मरती है, वह राजू को अपने जन्म की कहानी बताती है। राजू अपनी पालक माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपनी असली माँ के लिए एक पत्र लिखता है, जिसे वह अपनी पालक माँ की राख के साथ नदी में विसर्जित कर देता है। नदी उसके उस शिविर पर ध्यान दे जहाँ लोहार, इसे पता चलता है कि रानी दुर्गा को पढ़ता है, जो तुरंत अपनी कहानी याद करती है। लोहार उसे बचपन के लिए एक छड़ी बनाता है और अंत में राजू के साथ फिर से जुड़ जाती है, हालांकि लोहार मारा जाता है। डैनी को राजू के वंश के बारे में पता चलता है, यह महसूस करते हुए कि राजू लाहौर और आजाद सिंह के मुक्त करने के लिए एक शिविर पर हमला करेगा। डैनी अपनी साजिश का दूसरा चरण निभाता है और एक जाल बिछाता है। राजू अपने पिता को बचाने के लिए कालकोठी में प्रवेश करता है, लेकिन पता चलता है कि राजा आजाद सिंह को एक नकाबपोश धोखेबाज यानी साइमन द्वारा बदल दिया गया है और राजा को पकड़ लिया जाता है। इस बिंदु पर डैनी एक घातक अंतिम चरण तैयार करता है और राजू और राजा आजाद सिंह के बीच तलवार चलवाने के लिए उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई करवा देता है। जो विजेता होगा वो उसे मुक्त किया जाएगा। इस लड़ाई से पहले वह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाता है और पिता और पुत्र वास्तव में दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। राजा आजाद सिंह एक रक्त शिविर में लाया जाता है और वहाँ पे राजू, जो एक नकाबपोश होता है, को निर्दोष नागरिकों को खून निकालते हुए दिखाया जाता है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी के शपथ लेते हुए देखता है। राजा नाराज होता है और प्रतियोगिता में से उसे खत्म करने की कसम खाता है। समवर्ती रूप से डैनी यानी रूबी के माध्यम से शब्द भेजता है कि राजू का विरोध करने वाले सेनानी एक नकाबपोश धोखेबाज है, न कि असली राजा। राजू बदले में घोषणा करती है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर नहीं जाने देगा। डैनी तुरंत राजू को असली राजा से लड़ने की व्यवस्था करता है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार से लड़ाई में होते हैं। द्वंद्व युद्ध में वह मोड़ आता है।
जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है। राजू ने नोटिस किया है कि उसके एक वार से ही राजा की गाल से खून निकल गया। वह जल्दी से सच्चाई समझ जाता है और एक मौत के द्वंद की उपस्थिति को तब तक जारी रखता है जब तक राजा राजू को उखाड़ने से और देखते कि गैलरी में ना फहराता। राजू अपनी तलवार जनरल डायर पर डाल दी और उसे तुरंत मार दिया। डैनी गुस्से में अपने टैंकों को राजू और राजा को ख़त्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। राजू और राजा घोड़े पर पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करते हुए भाग जाते हैं। एक लंबे पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं। महिलाओं को बचाते हैं और युद्ध के खलनायकों को शामिल किया जाता है। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी डैनी और गोगा की वंशन ने डूब जाता है और राजू अपने उसके पिता के विजयी होकर लौटता है। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू को असली माता पिता के साथ फिर जोड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में इस मूवी को बनाया गया था। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं और आप अपनी किस मूवी के किस एक्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।